मेरे द्वारा खुद से उगाया गया सब्जी का बाग, सब्जी उगाया गया है यहाँ में मेरे द्वारा। फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार मैं उगाया। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आप यहाँ वेलकम पे टू माय देख यूट्यूब चैनल। चल को मैं आपका दोस्त चिकू आई उपस्थित हूँ। तो आज के नए वीडियो में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पोलोथीन दिख रहा होगा, इसमें बानी है। बानी हम उस चीज़ को बोलते हैं जो चूल्हा होता है, मतलब जिस पे खाना पकाया जाता है हमारे गाँव में। तो उसमें जो लकड़ी जलता है, वो जो प्रोडक्ट बच जाता है लकड़ी जल के, उसी को हम बानी बोलते हैं। तो आप सोच रहे हो कि मैं बानी लेकर कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं बानी लेकर के अभी जा रहा हूँ फ्रेंड्स अपने बारी में। बारी मतलब जहाँ पे सब्जी वगैरह उगाया जाता है। और पीछे देख सकते हैं, अभी जस्ट जस्ट मैं अपने गांव से निकला हूँ। गांव तरफ का नज़ारा तो ऑसम है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। और अभी लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 नहीं 6:46 हो रहा है, 6:46। और चारों तरफ का नज़ारा देख ही सकते हैं कितना ऑसम है एकदम। ये मेरा गांव है फ्रेंड्स, यहाँ से अभी निकला हूँ मैं। और देख सकते हैं कितना बढ़िया इधर चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली देखने के लिए मिलेगा, पेड़ ही पेड़ देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस वीडियो में आगे बन रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ सीधा अपने बारी में, जहाँ पे मेरा सब्जी उगाया गया है, मैंने खुद से उगाया हूँ। वहाँ पे जाकर के पानी किस लिए यूज करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। हमारे साथ इस वीडियो में आगे जाते जाते बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा कितना, और सनलाइट का तो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है फ्रेंड्स मॉर्निंग मॉर्निंग एकदम सुबह में ही। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये धान का फसल रोपा गया है। और कैसा है ये, और मेरे गांव में लगभग 100% लगभग रोपा चुका है धान का फ्रेंड्स। और धान के ऊपर मैंने सही से वीडियो नहीं लाया हूँ, तो अब आगे जैसा जैसा होगा वैसा वीडियो लाऊंगा मैं। अब चारों तरफ का नज़ारा देख ही सकते कितना ऑसम है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस वीडियो में आगे बने रहे। बारे में पहुंच चुका हूँ आपसे पीछे देख सकते हैं, ये मैं आपको सही दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा छोटा सा बारी है जहाँ पे मैंने सब्जियाँ उगाया हूँ। तो मैं बता देता हूँ किस किस चीज़ का सब्जी उगाया हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये बोधी है फ्रेंड्स, जिससे बोधी बोलते हैं जो लंबा लंबा होता है, ये बोधी है फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके पत्ता में कीड़ा लग चुका है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे बानी लाया हूँ। बानी जो है बहुत ज़्यादा पुराने वक्त से यहाँ पे मशहूर है कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए लरी में। तो इसी को मैं इस पर छिड़कों का यूज करूँगा, जस्ट मेडिसिन के टाइप। तो आप देख सकते हैं ये भी बोधी ही है, यहाँ पे बोधी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा, ये करेले का लर है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है फ्रेंड्स, ये बड़ा बड़ा होगा। तो हमारे साथ इस वीडियो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी करेला का ही है, और ये भी करेला का है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स ये है परोर का ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये परोर का है, ये परोर का है। और ये है फ्रेंड्स झिंगी का, झिंगी परोर जैसा ही होता है, झिंगी का है। तो यहाँ पे भी झिंगी का है फ्रेंड्स, और इधर भी झिंगी का है, ये परोर का है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कैसा है एकदम परोर का है, ये भी परोर का है, और ये भी परोर का है। और इधर पे देख सकते हैं, और आपको ये सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये है भिंडी का। तो भिंडी देख सकते हैं कैसा भी छोटा छोटा प्लांट है इसका, लगाया हूँ मैं जल्दी ही फ्रेंड्स, खुद से लगाया इस साल। तो देख सकते हैं आप, बताइए कमेंट करके, मेरे द्वारा पहली बार लगाया गया है ये फ्रेंड्स। ये जो आपको सब्जी का फसल दिख रहा है, ये मेरे द्वारा पहली बार लगाया था, ये कैसा उगा है आप कमेंट करें जरूर जरूर, और कमेंट नहीं करते कमेंट जरूर जरूर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा मेरा खेत है, खेत तो बहुत सारे हैं लेकिन ये छोटा सा मैं मतलब घर पर खाने के लिए मैं घर पे ही उगा लेता हूँ, बाजार से मुझे बाय नहीं करना पड़े, खरीदना नहीं पड़े। और ये भी बोधी है फ्रेंड्स, बोधी है, और इसमें करेला भी है, आप देख सकते हैं करेला या परोर है, अभी नहीं पता लगता है फ्रेंड्स, अभी छोटा छोटा है। तो आप देख सकते हैं, ये तो मेरा पहली बार का था यहाँ पे सब्जी उगाया गया, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था फ्रेंड्स सब्जी उगाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको सनलाइट आ रहा है, और चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं कैसा एकदम है। और इधर पे पूरा आपको ये धान का फसल उगाया गया है इधर पे।
time and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. अभी लगभग मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पे है और हरियाली हरियाली आपको चारों तरफ दिखेगा। गांव में रहने का मज़ा ही अलग है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। और वीडियोस आने में लेट हो रहा है, उसका वजह है कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू है, तो मैं थोड़ा गांव से बाहर निकल के वीडियो डालना पड़ता है, इस वजह से कुछ दिन वीडियो लेट हो जाता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लिया कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं किस तरह से इस पर पानी देता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे पानी है, तो इसको मैं इस तरह से हाथ से उठाऊँगा और इसके ऊपर पूरा दे दूँगा। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये इसी तरह से दे दूँगा ताकि जो इंसेक्ट है उससे ये प्रोटेक्ट करे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर भी दूंगा आपको पूरा। अभी यहाँ पे घास हो चुका है, घास भी निकालना पड़ेगा, घास किस तरह से निकाला जाता है वो मैं छोटा सा वीडियो डाल दूँगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसके ऊपर दूंगा पानी को, तो इसी तरह मैं पूरे यहाँ पे जितने भी फसल है उस पर दे दूंगा ताकि जो इंसेक्ट है उससे ये प्रोटेक्ट करे। तो किस तरह से दूंगा, मैं एक जगह स्टेबल करके रख देता हूँ फोन, तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे देखते हैं। भूल गया, ये परोर का है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका लरी कितना बड़ा हो चुका है, ये पहले ही रोपा गया था शायद, ये उस साल का है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है ये परोर का लर, और इसके ऊपर भी चढ़ भी चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है एकदम परोर का लर, परोर जो है अभी तो फरा नहीं है, अभी ये बढ़ ही रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है। तो हमारे वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पानी दे चुका हूँ, पानी देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो खेत है सब्जी का वो कैसा लग रहा है पानी देने के बाद। ये पानी इसलिए मैं देता हूँ ताकि जो इसके ऊपर कीड़े हैं वो मर जाए, नहीं तो इसके ऊपर नहीं आए, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पानी देता हूँ। और पानी देने के बाद आप देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने सब्जी का फसल लगाया हूँ, सब्जी उगाया हूँ खुद से, तो कैसा उगता है मैं आई होप, मैं गॉड से दुआ करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा उगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, आप भी कमेंट करें कि कैसा उगा है मेरा, मेरे द्वारा खुद से उगाया गया सब्जी का बाग, सब्जी उगाया गया है यहाँ पे मेरे द्वारा फर्स्ट टाइम, ज़िंदगी में पहली बार मैं उगाया फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी देने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये पानी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बनता है जब हमारे गांव में जो चूल्हा होता है जिस पे खाना पकाया जाता है, आप शहर से रहते होंगे तो आपको चूल्हा नहीं देखे होंगे जो उगाया जाता है, और जो लकड़ियाँ जलते हैं उससे जो बचा रहता है अनवांटेड चीज़, अनवांटेड तो नहीं होता लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो उसी से हम यहाँ पे वो पानी कहलाता है, और पानी यहाँ पे हम जाके छिड़कते हैं और भी अनेक जगह छिड़कते हैं। ये बहुत पानी बहुत ज़्यादा काम आता है फ्रेंड्स, ये इंसेक्ट को अपने पास नहीं आने देता। बस इस वीडियो में इतना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ घर पे, और घर पे जाने के बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाऊँगा। और अभी वीडियो आने में लेट हो रहा है, उसका वजह यह है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू है हमारे गाँव में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये भी वीडियो मैं जल्दी डाल दूँ, वीडियो तो बहुत समय पड़े फ्रेंड्स। तो बस इस वीडियो में इतना है, जय हिंद जय भारत। ये मेरे द्वारा उगाया गया पहली बार यहाँ पे ये सब्जी का खेत है, तो काश ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा सब्जी याद है हमको। तो बस इस वीडियो में इतना है, मेरे दादाजी ने ये सिखाया था किस तरह से उगाया जाता है, तो बस इस वीडियो में इतना है। जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इसमें मैं सीधा मैं बताना चाहूँगा, इसमें मैं 15 दिन के बाद इसमें खंभा गाड़ूंगा, किस तरह से खंभा गाड़ूंगा, बम्बू ट्री का खंभा गाड़ूंगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गाँव रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि गाँव में किस तरह से क्या चीज़ होता था। बस इस वीडियो में इतना है, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपको किसी और अच्छे वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।